नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11th में नया टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या दिया रहेगा, कोई फंक्शन हम लोगों को दिया रहेगा, फ्रैक्शन में दिया रहेगा। जैसे u और v दोस्तों हम लोगों को दो फंक्शन दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू u अपॉन v। ओके, हम लोगों को फंक्शन कभी भी रहेगा इसमें दिया हुआ तो डिवाइड में दिया रहेगा, फ्रैक्शन में दिया रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू u अपॉन v। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx इधर भी लगेगा और d अपॉन dx इधर भी लगेगा। ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ y इक्वल टू, ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, डी जो कभी हम लोगों को फ्रैक्शन में रहेगा, डेरिवेटिव्स निकालना रहेगा, तो इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा हम लोगों को पहले v का स्क्वायर, फिर हो जाएगा v इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ v। तो यही दोस्तों क्या है, क्वेश्चन टूल, इसको याद रखिएगा। क्या हुआ क्वेश्चन टूल का फॉर्मूला, v इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन टूल। अब दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह क्वेश्चन दोस्तों बुक में दिए गए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया गया 2 to the power x अपॉन में x दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, लिखेंगे हियर u इक्वल टू 2 to the power x एंड v इक्वल टू x। न्यूमरेटर जो होता है u होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, v होता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम लोगों को इसमें करना क्या है, v इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि u का डेरिवेटिव निकालना है, फिर माइनस u इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ v, यानी कि u और v दोनों का हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है। देखिए इसमें कि u इक्वल टू 2 to the power x है, तो यहाँ पर इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ u इक्वल टू हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ 2 to the power x। ओके, अब देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ u इक्वल टू, दोस्तों देखिए 2 to the power x का डेरिवेटिव हम लोगों को निकालना है। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a होता है। देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स इंटू में लॉग ए होता है, यहाँ पे ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ठीक इसी तरह से डी वाई डी एक्स ऑफ 2 to the power x, अब देखिए ए के जगह पे यहाँ पे क्या है, 2 है, इसमें ए रिप्लेस हो जाएगा 2 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the power x log 2। याद रखिएगा कि ए टू द पावर 2 to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 to the power x log 2 होता है। ओके, यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 to the power x ये log 2। ओके, डी वाई डी एक्स ऑफ यू का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ पे था ना डी वाई डी एक्स ऑफ यू, इसका वैल्यू निकाल लिए, और लोग v का डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए एंड v इक्वल टू क्या था, x था, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ v इक्वल टू हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ x, दोनों हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स लगा दिए, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ v इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है। हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, लेकिन बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल, दोनों का वैल्यू भी निकाल लिया, किसका वैल्यू निकाले हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ यू का और डी वाई डी एक्स ऑफ वी का, टोटल क्वेश्चन दोस्तों यही करना है। ओके, लेकिन बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल, देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रूल क्या कह रहा है, कि हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग को फंक्शन दिया रहेगा उसको क्या कीजिएगा, वाई लेट कर लीजिएगा, लेट ये वाई इक्वल टू। ओके, तो जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा नीचे में वी स्क्वायर, फिर वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू माइनस
u इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी। ओके पुट कीजिए यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे में क्या वी स्क्वायर था, वी कितना था, वी था इसमें एक्स, ये हो जाए एक्स का स्क्वायर, फिर वी यानी कि एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू। दोस्तों देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ यू का वैल्यू कितना आया है, डी वाई डी एक्स ऑफ यू का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे, टू टू द पावर एक्स लॉग टू, यहाँ पर रख दीजिए इसको, टू टू द पावर एक्स इंटू लॉग टू माइनस यू, यू था टू टू द पावर एक्स इंटू वी, डी वाई डी एक्स ऑफ वी कितना वन। ओके अब आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें दोस्तों देखिए टू टू द पावर एक्स यहाँ पे है और टू टू द पावर एक्स यहाँ पे है, तो टू टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा एक्स लॉग टू माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन का आंसर दोस्तों हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए दोस्तों पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें ये दिया गया लॉग एक्स अपॉन एक्स दिया गया है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट वाई इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन में एक्स। ओके थिंग हियर यू इक्वल टू है लॉग एक्स एंड वी इक्वल टू एक्स, यू क्या होता है न्यूमरेटर होता है और वी क्या होता है डिनोमेटर होता है, तो लिखेंगे नाउ और हम क्या करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ यू निकालेंगे, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ वी निकालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन रूल में पुट कर देंगे फॉर्मूला में, लिखेंगे नाउ u इक्वल टू लॉग एक्स, यहाँ पर लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या है इसका मतलब कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स यहाँ लगेगा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके अब आगे देखिए तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, दोस्तों याद रखिएगा कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है, देखिए यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है, इसको याद रखिएगा ये वन अपॉन एक्स हो गया। हम लोग को वैल्यू निकालिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू का और फिर निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी का, लेकिन अगेन वी इक्वल टू था एक्स, अब यहाँ पर लिखें डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो देखिए क्या हो जाएगा तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ भी लगेगा एल एच यहाँ पर और डी अपॉन डी एक्स यहाँ भी लगेगा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। आगे देखिए तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है वन होता है, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो हम लोग वैल्यू निकालिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू और डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी का। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे क्वेश्चन टूल क्या कह रहा था, लिखेंगे बाय यूजिंग क्वेशेंट रूल, बाय यूजिंग क्वेशेंट रूल क्या कह रहा था कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी का स्क्वायर वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी। ओके आगे देखिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी, वी क्या था एक्स था एक्स का स्क्वायर, फिर वी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू, दोस्तों देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ यू कितना है, डी वाई डी एक्स ऑफ यू कितना है वन अपॉन एक्स, तो हो जाएगा ये वन अपॉन एक्स माइनस यू, यू कितना है लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी यानी कि वन। आगे देखिए तो हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा वन माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दोस्तों ये हो गया। तो बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिए आराम से बन जाएगा, सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, अब
देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री दोस्तों, हम लोग ये दिया गया है ई टू द पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, इसको भी दोस्तों हम सेम प्रोसेस करेंगे। लेट वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, कैसे चलेगा क्वेश्चन टू का क्वेश्चन दोस्तों फ्रैक्शन में हम लोगों को दिया गया रहेगा, ओके, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहेगा। यहाँ आप लिखेंगे हियर u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड v इक्वल टू वन प्लस एक्स, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ u क्या होता है न्यूमरेटर और v क्या होता है डिनोमिनेटर, लिखेंगे नाउ u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या करना है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, ओके। ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ भी d अपॉन डी एक्स लगेगा, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ओके। ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ u इक्वल टू दोस्तों d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। देखिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x। ये दोस्तों हम लोग वैल्यू आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ u का। अब निकालेंगे वैल्यू d अपॉन डी एक्स ऑफ v का, लिखेंगे अगेन, देखिए v इक्वल टू हम लोग क्या था वन प्लस एक्स था। अब यहाँ पर लिखें डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स यहाँ पर लगेगा, तो हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ v इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ ये वन प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों का होगा, पहले होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ वन कॉन्स्टेंट है तो हो जाएगा जीरो, फिर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो फाइनली d अपॉन डी एक्स ऑफ u का कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए कि d अपॉन डी एक्स ऑफ v इक्वल टू वन, ओके। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन रूल में पुट करेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज में से क्या रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों पिछले पेज हमने नोट कर लिया यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ यू का वैल्यू ई टू द पावर एक्स आया था एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ वी का वैल्यू कितना आया था वन आया था। अब यहाँ आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वेशेंट रूल, तो देखिए क्या था dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी का स्क्वायर, फिर यहाँ वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u माइनस यू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी, ये था क्वेश्चन टू। अब आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू नीचे में क्या होता है वी का स्क्वायर, तो वी हम लोगों को दिया गया था वन प्लस एक्स दिया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ वी यानी कि वन प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u कितना है e टू द पावर x माइनस u यानी कि e टू द पावर x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी यानी कि वन। सॉल्व कीजिए थोड़ा इसको, हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स को ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स ई टू द पावर एक्स, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई किए हैं दिया गया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया दिया माइनस ई टू द पावर एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर एक्स और अपॉन में ये वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों ई टू द पावर एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स नेगेटिव है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग बच गया एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। इसको सीधा से लिख दीजिए यहाँ पे देयरफॉर ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए फोर नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमें ये दिया गया ई टू द पावर एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। लिखेंगे हियर यू इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड v इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो आप लोग पता चल गया होगा कि u कौन होता है v क्या होता है, u होता है न्यूमरेटर एंड v होता है डिनोमिनेटर। लेकिन नाउ u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर लिख डिफ्रेंशिएटिंग
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मीनिंग हुआ इसका कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड, ओके ये क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लगेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, एज इट इज एक्सपोनेंट का एज इट इज होता है ई टू द पावर एक्स ही हो गया, याद भी रख सकते हैं ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू का वैल्यू हम निकाल लिए, अब निकालेंगे वैल्यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी का, लिखेंगे अगेन वी इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, यहाँ आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या हो जाएगा बताइए, यह हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए यह हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दो टर्म है, पहले डी वाई डी एक्स ऑफ वन का होगा तो यह हो जाएगा जीरो कॉन्स्टेंट है, प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है टू एक्स हो जाएगा, क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पे कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स रे टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एक्स का पावर कोई नंबर रहना चाहिए, यहाँ पे एक्स का पावर टू है, तो देखिए एन यहाँ पे कितना टू है तो टू एक्स रे टू द पावर टू माइनस वन हो जाएगा टू एक्स का पावर वन, फाइनली हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है टू एक्स होता है, ओके तो फाइनली देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी अपॉन डी एक्स ऑफ भी इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स, ओके हम लोग क्वेश्चन रूल के फॉर्मूला में दोनों वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वेश्चन टूल क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब तो आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा, डिनोमेटर में क्या है वी का स्क्वायर, फिर वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी, ओके अब इसमें पुट कीजिए वैल्यू को, अब यहाँ पे दोस्तों वैल्यू पुट कीजिए इसका, देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, नीचे में क्या होता है वी का स्क्वायर, वी हम लोग को यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर वी, यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू, यानी कि ई टू द पावर एक्स आया है, देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ यू कितना ई टू द पावर एक्स, फिर माइनस फिर यू यानी कि ई टू द पावर एक्स इंटू वी, वी का डेरिवेटिव कितना इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी, तो डी वाई डी एक्स ऑफ वी कितना आया है टू एक्स आया है। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए इसी को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हम लोगों को ई टू द पावर एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, फिर माइनस ये हो जाएगा टू एक्स ई टू द पावर एक्स, ओके अब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ई टू द पावर एक्स यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज में इसका क्या रिजल्ट आता है, देखिए पिछला पेज में दोस्तों रिजल्ट ये आया था, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं वन को लिख सकते हैं वन का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू एक्स कितना होगा टू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और ये हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर आप लोगों को समझ में आ गया, कहीं भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव।